आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कुर्ती के चाक के ऊपर किस तरह से पाइपिंग को लगाते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह की कुर्ती को रेडी कर लेना है और कुर्ती के आपको एक फ्लेयर को लेना है और डबल फोल्ड कर देना है। सीधी वाली साइड से आप इसे फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से मिलाकर निशान को लगाना है। निशान को लगाने से पहले आपको बराबर अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद जितना आपका कुर्ती का फ्लेयर होगा उसका आपको निशान लगाना है। जैसे कि हमारा फ्लेयर 19 इंच है तो हमने 19 इंच की दूरी के ऊपर निशान को लगा लिया है। 9.5 इंच का हमने निशान लगाया क्योंकि हमारी डबल है कुर्ती, फोल्ड की हुई है, तो इसलिए हमने 19 इंच का हाफ करके दोनों साइड में हमने निशान को लगा लिया। अब बढ़ते हैं मशीन की तरफ। ये हमने ली है कुछ रेडीमेड पाइपिंग और ये पाइपिंग आपको वहां पे लगानी है जहाँ पे आपकी हिप की सिलाई शुरू होती है। ऊपर की तरफ आपको बढ़ाकर पाइपिंग को लगाना है और जहाँ पे आपका निशान आता है उसी के ऊपर आपको इस तरह पाइपिंग को रखना है और सिलाई को लगाना है। हम तो वैसे डबल पैर से लगा रहे हैं, आप सिंगल पैर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एंड में हमारी कुर्ती के नीचे छोटा सा बॉर्डर था तो हमने पाइपिंग को बढ़ाकर कट किया है। और इस वीडियो को बनाते समय पता नहीं कैसे मेरा फोन बीच में बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा और मैं वीडियो बनाती गई, एक दो स्टेप इसके बीच में से मिस हो गए हैं। जैसे कि हमने इसके बाद वाली जो चाक है कैसे फोल्ड की है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमने प्रेस से इसको फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके हमने पाइपिंग के ऊपर रखना है। जल्दी ही मैं आपके लिए ऐसी एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं पाइपिंग लगाना बताऊंगी। वैसे तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एक दो स्टेप मिस हुआ है। बस आपको पाइपिंग के बाहर जितना भी फैब्रिक था प्रेस से फोल्ड करना है और सिलाई को आपको लगा देना है। इसके बाद जो हमने बढ़ाकर पाइपिंग को कट किया था इसको इस तरह से बीच वाली साइड में फोल्ड करेंगे और एक सिलाई को लगा लेंगे। और इस सिलाई को लगाने के बाद फैब्रिक को पीछे वाली साइड में फोल्ड करके प्रेस कर देनी है जिससे कि हमारी पाइपिंग में बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए हमारी चाक के ऊपर पाइपिंग बहुत ही अच्छी तरह से लग गई है। इसी तरह से आपको सारी चाक के ऊपर पाइपिंग को लगाकर अटैच करना है। वैसे तो आपको इस वीडियो में भी समझ में आ गया होगा, अगर आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, दोबारा से भी मैं इसकी वीडियो लेकर आऊंगी। और ये वीडियो तो आपको मुझे लगता है अच्छी नहीं लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।